Hello friends, welcome to Palpal GK. In this session, we'll take up space technology basics and we'll discuss geostationary orbits, geosynchronous orbit and sun synchronous orbits. Satellite is an object that moves in an orbit around the Earth or around other planets or stars in the space. Satellites can be artificial or natural. For example, Moon is a natural satellite of Earth. In space technology, we are only going to discuss about the artificial or man-made satellites. Kuch basic concepts dekh lete hain before going further. Satellites par always there is a gravitational force which is acting towards the center of the Earth. And this is balanced by the centripetal force which is equal and opposite to the gravitational force of the Earth. अब अगर यहाँ बैलेंस नहीं होगा तो या तो सैटेलाइट विल फॉल टू द अर्थ और इट विल एस्केप इन द स्पेस. सो सैटेलाइट्स के लिए ये दो फोर्सेस हमेशा बैलेंसिंग रहेगी, ग्रेविटेशनल पुल टुवर्ड्स द अर्थ और ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द अर्थ एंड सेंट्रीपिटल फोर्स. नाउ दिस कैन अगेन बी रिटन एज जी एम एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, वेयर कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, कैपिटल एम अर्थ का मास है, स्मॉल एम इज़ द मास ऑफ द सैटेलाइट, आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज. राइट हैंड साइड में वी हैव एम वी स्क्वायर बाई आर, वेयर वी इज़ द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट. तो इस इक्वेशन में एम एम कैंसल्स आउट एंड एक आर यहाँ से इससे कैंसिल हुआ, सो वी गेट जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर. ये इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट इसलिए है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि सैटेलाइट का बैलेंसिंग फोर्स किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पे, मास ऑफ द अर्थ पे, डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड करता है. प्लीज़ नोट हियर दैट दिस बैलेंसिंग फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सैटेलाइट. सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है एंड ऑल्सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सैटेलाइट. विल नाउ सी मेजर टाइप्स ऑफ ऑर्बिट क्या क्या हो सकते हैं फॉर आर सैटेलाइट्स. सपोज दिस इज द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, तो एक तो हमारा इक्वेटोरियल ऑर्बिट हो सकता है जो डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर हो, कुछ इस तरह का. देन वी कैन हैव इंक्लाइंड ऑर्बिट्स जो कुछ ऐसा होगा. देन थर्ड मेजर टाइप ऑफ ऑर्बिट्स कैन बी पोलर ऑर्बिट्स जो नॉर्थ टू साउथ पोल के अराउंड कुछ इस तरह मूव करेगा. तो ब्रॉडली ये तीन तरह के ऑर्बिट्स होते हैं. इनमें इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स को वी ऑल्सो कॉल्ड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स. देन दीज इंक्लाइंड ऑर्बिट्स आर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स. तो वी कैन नोट हियर दैट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स आर अ टाइप ऑफ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स ओनली. जब जियो सिंक्रनस ऑर्बिट है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ इक्वेटर जब ज़ीरो हो जाए, देन इट बिकम्स अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. देन वी हैव सन सिंक्रनस ऑर्बिट्स, ये पोलर ऑर्बिट्स हैं. लेट अस फर्स्ट सी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स. कुछ फीचर्स देख लेते हैं हम इसकी. सबसे पहला तो ये है कि दे आर डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर. So that's why these orbits are circular in shape and their height is approximately 36,000 kilometers from the surface of Earth. Then they move west to east, same as the direction of rotation of Earth. And jo sabse important cheez hai ki inki speed is same as that of the speed of Earth. तो satellites की जो angular velocity है वो Earth के angular velocity की equal होती है and therefore one revolution of satellite is approximately equal to one day, 24 hours approximately लगता है satellite को Earth का एक round लगाने में. तो एक fixed point on the Earth, यहाँ से अगर हम इस satellite को देखें तो ये हमेशा स्टेशनरी दिखाई देगा, बिकॉज सैटेलाइट जिस स्पीड से मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में, उसी स्पीड से, उसी वेलोसिटी से अर्थ भी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में.
तो यहाँ से अगर हम सैटेलाइट को देखें तो इट विल ऑलवेज अपीयर टू बी स्टेशनरी. एंड सो दीज सैटेलाइट्स आर कॉल्ड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स. नेक्स्ट है कि एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इट कवर्स 1/3 ऑफ द अर्थ. हेंस तीन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स चाहिए टू कवर होल ऑफ द अर्थ. जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स मेनली यूज होते हैं कम्युनिकेशन पर्पस के लिए. That is for meteorological and weather forecasting, satellite TV, for satellite radio and other types of global communication. एक drawback भी है geostationary orbits का, that ये polar regions को cover नहीं कर पाते, वहाँ communicate नहीं कर पाते. Next we'll see geosynchronous orbits. तो अभी हमने diagram में कुछ time पहले देखा था कि geosynchronous orbits जो होती हैं वो थोड़ी इंक्लाइंड होती हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अर्थ. एंड ये सैटेलाइट्स ऐसे प्लेस होती हैं कि जो इनका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है अराउंड अर्थ वो एग्जैक्टली सेम होता है अर्थ के रोटेशनल पीरियड से. दैट इज़ इन सैटेलाइट्स को अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स लगते हैं टू टेक 1 राउंड अराउंड द अर्थ. ऑल्सो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ these satellites is equal to angular velocity of earth. But ye satellites earth se stationary appear nahi hote, they looks oscillating. Please note here ki geostationary orbits they are the special case of geosynchronous orbit. Geosynchronous orbit jab inclination zero ho jata hai with the equator and वो एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर जब रहते हैं देन दे आर कॉल्ड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स. ऑल्सो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट सिर्फ एक ही हो सकता है बिकॉज सिर्फ एक ऑर्बिट है जो एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर हो सकता है. बट जियोसिंक्रोनस ये कितने भी हो सकते हैं. जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स कैन बी मैनी इन नंबर. दीज सैटेलाइट्स आर यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस एंड ड्रॉबैक ये है कि ये पोलर रीजन्स को कवर नहीं कर पाती. नेक्स्ट वी हैव पोलर ऑर्बिट्स. इनका इंक्लिनेशन अराउंड 90 डिग्री होता है फ्रॉम द इक्वेटर. पोलर रीजन्स को कवर करते हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड दे अप्रॉक्सीमेटली टेक 99 मिनट्स टू कवर 1 ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. पोलर ऑर्बिट्स में वी हैव सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स. सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में जो सैटेलाइट्स होते हैं वो इस तरह से प्लेस्ड होते हैं कि व्हेनेवर दे क्रॉस अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द अर्थ उस पॉइंट पे सेम लोकल सोलर टाइम होता है. लेट मी एक्सप्लेन इन दिस वे. ये हमारा अर्थ है. यहाँ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में हमारा सैटेलाइट कुछ इस तरह से मूव करता है. देन सेकेंड राउंड में इट विल अगेन गो लाइक दिस और यहाँ आता है. थर्ड राउंड में कुछ ऐसा ट्रैजेक्टरी इट विल अगेन कवर एंड इट विल कम ओवर हियर. सन सिंक्रोनस सैटेलाइट यहाँ एक पोलर सैटेलाइट है जो पोल से तो क्रॉस करता है बट अर्थ पे अपनी ट्रैजेक्टरी को वो चेंज करता रहता है. बट एवरी टाइम इट पासिस थ्रू द इक्वेटर लोकल सोलर टाइम इज सेम एवरी टाइम. दैट इज़ जब भी इक्वेटर के पास वो क्रॉस कर रहा होगा तो जो भी कंट्री होगी वहाँ पे सेम टाइम हो रहा होगा. अगर यहाँ इक्वेटर पे ब्राज़ील है एंड सन सिंक्रोनस सैटेलाइट इज़ क्रॉसिंग एंड इट्स 10:30 AM इन द मॉर्निंग तो नेक्स्ट टाइम व्हेन द सैटेलाइट विल अगेन क्रॉस द इक्वेटर हियर. लेट्स सपोज यहाँ पे केन्या है एट द इक्वेटर तो यहाँ भी 10:30 मॉर्निंग का हो रहा होगा. नेक्स्ट अगेन जब ये इक्वेटर को क्रॉस करेगा लेट सपोज यहाँ इक्वेटर पे मालदीव्स है तो मालदीव्स में भी लोकल टाइम 10:30 AM ही है. हेंस दे क्रॉस ईच लोकेशन एट द सेम लोकल सोलर टाइम एवरी डे. तो सिंस इसको एक राउंड लगाने में सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को 99 मिनट्स लगते हैं और जिस तरह का इसका ट्रैजेक्ट्री है ये ईच पॉइंट ऑन द अर्थ को ट्वाइस विजिट करता है. 2 बार दिन में क्रॉस करता है. वंस इन द डे एंड वंस इन द नाइट. हेंस इट इंश्योर्स अ वेरी
गुड कवरेज ऑफ द होल अर्थ, बहुत अच्छी तरह से ऑलमोस्ट सारे प्लेसेस को अर्थ पे कवर करता है. नेक्स्ट वी कैन से दैट सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स जो होते हैं दे लाई इन अ प्लेन दैट मेंटेन्स अ फिक्स्ड एंगल विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सन डायरेक्शंस. सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स जो होते हैं वो एक ऐसे प्लेन में होते हैं कि उनका जो एंगल होता है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सन लाइन और अर्थ सन प्लेन, यहाँ ये अर्थ सन लाइन है, इसके साथ जो इनका एंगल होता है वो फिक्स्ड होता है थ्रू आउट. यहाँ पर अगर थीटा है तो ये एंगल भी सेम रहेगा, दिस एंगल वुड ऑल्सो बी सेम एंड दिस एंगल वुड ऑल्सो बी द सेम. सो एक कॉन्स्टेंट एंगल रहेगा बिटवीन द सन अर्थ लाइन एंड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स. सो दीज सैटेलाइट्स आर यूज टू ट्रैक चेंजेस विद द टाइम, टाइम के साथ जो भी चेंजेस होते हैं उसको ट्रैक कर लेता है बिकॉज ये सेम प्लेस पे सेम टाइम पर ही बार बार जाते हैं ये सैटेलाइट्स. सो दे हैव एप्लीकेशन इन रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग में यूज़ होता है, मिलिट्री एप्लीकेशंस में होता है, देन क्लाइमेट चेंज पे भी इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करता है, ओजोन लेयर में ओजोन कितना डिप्लीट हुआ, ग्लोबल टेम्परेचर कितना राइज हुआ, ऑल दीज थिंग्स आर मेजर्ड बाई सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स. So that was all for the day. I hope you have liked the session. Please subscribe to my YouTube channel Palpal GK and you can also visit our website and like us at Facebook. So that was all for the day. Have a very nice day. Thank you very much.